শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয় গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ ভক্ত বিন্দম শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিতো से नन्दनन्दनं वन्दिराधिका चरणोदयं गोपीजनो समयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छा कल्पतरुवश्यके पासिन्दुभवशु पतितानं पावुनि भैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं लंग लङ् हैतगिरिं

সংকীর্তনে কৃষ্ণ কথ প্রদেশে গৌর ও পত্র্য প্রকাশ গুরু ভক্তিযুক্ত ভক্তি প্রমদাকস জগদবারন ধেয়াম সাদাপাি ভাভাগ্ন বাবিষ্্য দুহাম। তেথাজপাদাম সেভাবেের চনথম সারান্য। विताति हंपनु तोपल्लव भवा दीपूतम् बन्दे महापुरुषते चारुनारविन्दम् यत्पादपल्लवनकचन्दमणिच्छटाय विश्वपुरजितकम् उपगवद सुवादर्श पूर्णानुराग रससागरसारमूर्ति साराधिकामय कदा किवाम करोषि শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী আদ্বৈতাধর শিব সদি পৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে आ जानुलंबित भुजौ गणका बोदातो संकीर्तनै कपीतरु कमलाय तथाक्षो विशाम्बरु दिजवरु जुग धर्म पालो बन्दे जगत प्रिय करू करुणा बثارु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे। হরে রাম 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 হরে আজানু লবিত ভুজৌ কনক শঙ্কীর্তনৈকিত গমলাশামিজ ভর যুগ ধর্ম পালো বন্দে জগৎ প্রিয় কর करुणा भतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे नमा गंगे तव पाद दुपंकज सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिञ्च मुक्तिञ्च तदा सिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरीनिरन्तरविभूषि त्वमभागम् नारायणो प्रियम अनंगो मधा पहारम बरान सिपुरापति भव्य वागी सजुष्ट वधनी लक्ष्मी यस्चा यस्यास्ते यस्यास्थिदेशं बीद त्वम निशिंग भजे भजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম রাম ররে হি না শুনি না, সহিষ্ণুনা অমান মানদে ন কীর্তনীয় সদা হরি গৌরী গোষ্ঠীপতি श्री शिलभक्ति सिद्धांत सरस्वती को समीटक पहुँपा परम से जगत गुरु जी ने बताए श्री चैतन्य महाप्रभु का ये शिक्षा है ये तिनका से भी अपने को हीन मानना तिनका से भी अपने को हीन मानना और वृक्षों का जो सहनशील भाव है ये वृक्षों का जो सहनशील भाव है इससे भी बढ़कर सहनशील होना चाहिए जब ही आगे चल के श्री चैतन्य महाप्र का शिक्षा लेने का अधिकार बनता है लेने का अधिकार तो बनता है और देने का भी अधिकार बनता है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा लेने का अधिकार तब होता है जब तिनाद विश्व जनता स्व अमान मानोदिनो कृतन्यो सदा हो दूसरे को सम्मान देना अपना लिए कोई सम्मान का प्रत्याशा नहीं करना ये चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है महाप्रभु का जो शिक्षा है शिक्षा का मूल मंत्र है पोपाद कहते हैं अगर हम लोग तिनका से भी नीचा ना बन जाए बड़े महाराज तिनका तो सबसे नीचे है पोपाद कह रहे हैं तिनका तो नीचे ही है लेकिन तिनका को कोई छागल या गो गौ भैंस खा सकता है तिनका सारा ऊंचा है ना तो कोई गाय गौ, गौ माता है भैंस है छागल है वो आके घास को खा सकता तो ऐसा नीचा होना चाहिए जैसे कि छागोल भेड़े कोई भी खा नहीं सके और तिनका का ऊपर प्यार देके कुचल के चले जाओ फिर उसका बाद ये जो घर ये जो तिनका है फिर खड़ा हो जाता इसलिए प्रौपा जी ने कह रहे हैं अगर चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अपना जिंदगी में लेना है अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा जिंदगी में लेना है और किसी को देना है तो पहले तिनाद सुनिश्च होना चाहिए और तीनादु भी सुनिज भाव कोई मामूली बात नहीं है बोलना बहुत आसान है प्रैक्टिकली तीनादुपी भाव में प्रतिष्ठित होना कितना कठिन है ये मैं कह नहीं सकता इतना कठिन है और तीनादु भी सुनी जगह ना ना होने का कोशिश करे सिर्फ डाई ड्राई फिलोसॉफी को अपनाने का कोशिश करे तो इसमें कोई फायदा नहीं है उतने सत्यनाश हो जाएगा इसमें सत्यनाश हो जाएगा कुछ नहीं होगा सिमन महाप्रभु का शिक्षा अर्थात तिनाद सुनिच में प्रतिष्ठित होने का बाद ही हरि कीर्तन में अधिकार मिलता है हरि कथा हरि कीर्तन में तभी अधिकार मिलता है जब हम तिनाद भी सुनिच में प्रतिष्ठित है बोले कैसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसा भी तो आदमी हो सकता है तिनाद विश्वनीय प्रतिष्ठित तो नहीं है लेकिन अच्छा अच्छा हरिकथा बोल सकता है हाँ बोल सकता है बट दैट इज नॉट हरि कथा आपने देखा होगा हरिकथा बोलते देखा होगा बट श्योर इट इज नॉट हरी कथा हरिकथा मीन अप्राकृतिक शब्दों वैकुंठ वैकुंठ शब्द इसको ड्राई फिलोसॉफी बोला जाता है अपराकृत शब्द ब्रह्म उच्चारण करने के लिए अपने को दीनहीन मानना पड़ता है अपने को दीनहीन नीचा मानना पड़ता है जो शिला भक्तिविन ठाकुर जी ने भजन रहस्य का अंदर में भक्तिविन ठाकुर लिख दिया हो सर्वगुणे गुणी महाशय होइलो सर्वगुने गुनी महाशय प्रतिष्ठा सत्याजी करो हृदय होइलो सर्वगुने गुनी महाशय कितना बड़ा विद्वान है कितना गुणों से विभूषित है कितना गुनावली से विभूषित है फिर फिर भी अपने को बहुत नीच मानता है दिनहीन मानता है भगवान का करुणा भगवान का करुणा आकर्षण करने के लिए भगवान का करुणा आकर्षण करने के लिए जरूरी है भगवान का कृपा को आकर्षण करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है नहीं तो भगवान का कृपा हमारा जिंदगी में आएगा नहीं भगवान देखना चाहता है किसका कितना एंडरिंग पावर है कौन कितना सहन कमता है कौन कितना इज्जतदार होने का बावजूद इतना ऑनर पोजीशन होने का बावजूद अपने को बहुत नीचा मानता है भगवान ये देखता है भगवान का कीपा आकर्षण करने के लिए बड़ा भारी जरूरी विषय है दूसरा कोई कारण नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए हमारा बड़ा खानदान में पैदा होना भगवान का कृपा लेने के लिए बड़ा विद्वान होना बड़ा पैसा वाला धनी होना और देखने में बहुत सुंदर होना ये कोई कारण नहीं है भगवान का कृपा को आकर्षण करने के लिए बड़ा खानदान में पैदा होना जरूरी है नहीं बड़ा विद्वान होना जरूरी है नहीं देखने में बहुत अच्छा जरूरी है नहीं बड़ा पैसा वाला होना जरूरी है नहीं ऐसा अगर होता हनुमान जी महाराज कहते तो फिर हम कैसे कृपा प्राप्त कर लिए, भगवान का कोरोना हमारे ऊपर कैसे हो गया ना तो देखने में सुंदर है ना तो अच्छा खानदान में पैदा हुआ है ना तो भी हनुमान जी महाराज ज्ञानीनाम वरिष्ठ हम लेकिन फिर भी दो इनो करके बोल रहे हैं हम तो कुछ हमारा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं कुछ नहीं है जो कुंती जी कुंती जी ने जो बात बताया भगवान आपका कृपा लेने के लिए ऐसा जरूरी है नहीं कि इसको विद्वान होना होगा इसको अच्छा खानदान में पैदा होना होगा ऐसा कोई जरूरी है नहीं इसीलिए कुंती देवी जी ने बताई जन्म सज्जो श्रुतो सी विदो मानो मदह पानो नई वर्ति अभिधातुम्बई तम किंचन गोचरम भगवान को कुंती देवी कह रहे हैं कृष्णों को जन्मो ओ श्रुतो सी इन चारों के द्वारा आदमी का अंदर में अभिमान फूले रहता है ये चारों जन्मो ईश्वर जो श्रोतोश्री ये चारों के कारण ये चारों में एक भी हो चारों में एक हो चारों में दो हो चारों में तीन हो या चारों में चार हो कोई भी हो जन्मों ईश्वर जो श्रोतोश्री भी रहे दो मानो मधो इनमें अभिमान आएगा ही आएगा ऐसा कोई बंदा हमने आज तक दिखा नहीं आज तक हमने ऐसा कोई बंदा जिंदगी में देखा नहीं जिनका अंदर में ये सारे जन्म ईश्वर जो से सब है लेकिन अभिमान कुछ नहीं है ऐसा देखा नहीं ये चारों खंबा है ये चारों खंबा का ऊपर अभिमान का अभिमान का जो घर है ये खड़ा रहता है ये चारों जो खम्बा है जन्म ईश्वर जो सुतोसी, ये चारों खम्भा है खम्बों खम्बा का सपोर्ट लेकर ये हमारा अभिमान का जो घर है ये बना हुआ है गुरु वैष्णव का नियम है कोई अगर सामने आए सचमुच की पा चाहता है तो पहले उसका अभिमान का जो घर है इसको एक लाख लगाकर ये अभिमान का जो घर है इसको चूर चूर कर देना ये नियम है गुरु वैष्णव का पास पहले जाने से ही गुरु वैष्णव का पहला काम है इसका अंदर में अगर कोई अभिमान है उसको लात लगा के ख़त्म कर दो अभिमान का बिल्डिंग अगर गिर जाए इसका बाद वो विनम्र भाव आ सकता है उसका पहले कदाचित इसका अंदर में भाव आ नहीं सकता एक मिसाल दे दे उदाहरण दे दे भागवत जी महापुराण में आता है महाराज भागवत जी महापुराण में आता है भागवत जी महापुराण में आता है जे कुबेर जी महाराज का लड़का नौल कुबोर और मणिग्रीव बड़ा पैसा का अभिमान से फूले रहते हैं ऐसे तो देव है ही है देखने में बहुत सुंदर है देवजोनी है अच्छा खानदान में पैदा हुआ है पैसा भी काफ़ी है विद्वान है चारों इसलिए अभिमान से भरपूर है इन्होंने एक दिन का कहानी बताए भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है नारद जी महाराज मंदाकिनी का किनारे किनारे किसी जगह जा रहा था इतने में देखा ये कुबेर का दो लड़का नलकुबर कुबेर और मणि मनीग्रीब दोनों ने नंगा होकर देव कन्याओं का साथ मस्ती कर रहा है पानी में जैसे हस्ती हाथी है ना हाथी जैसे पानी में उछल पतल करता है पानी को लेके इधर उधर फेंके कितना ताकत है मेरा ऐसा करता है इसलिए ये देव कन्याओं के साथ मजा मस्ती ले रहा है और नंगा होके और नारद जी उसी रास्ता से जा रहा था देखा अरे ये तो नंगा धरंग है क्या बात है और देव कन्याओं ने पानी का बाहर आके अपना कपड़ा चुपड़ा ढक लिया लेकिन ये बदमाश दोनों ने इतना अभिमान है कि नारद जी ये देवर्षि है इतना सम्मान सब लोग पूरा जगत इनको सम्मान करता है लेकिन इन्होंने इन दोनों ने कोई सम्मान नहीं किया और नंगा धरंगा खड़ा हुआ है नारद जी ने सोचा ये तो बड़ा मुश्किल ये दोनों का सामान्य अकल तब खो गया तो ये दोनों ये, ये दोनों को मैं ऐसा शिक्षा ऐसा शिक्षा हम देंगे जैसे इसको जिंदगी भर याद रहे ऐसा उल्टा काम ना करे ऐसे तो नारद जी महाराज का कोई सम्मान जरूरी है नहीं नारद जी महाराज का कोई सम्मान वैष्णव का कोई सम्मान आशा नहीं करते वैष्णव नॉट एक्सपेक्ट somebody कैन गिव me ऑनर ये तो आशा नहीं करते फिर भी नारद जी सोचा कम से कम इसका अंदर में बुद्धि बुद्धि का सुधार हो जाए ये तो ठीक नहीं है तो इसको नारद जी महाराज इन दोनों को साप दे दिया सा अभिशाप दे दिया बोले जा ये दोनों का ऊपर अभिशाप दे दिया पर तेन दोनों जैसे कॉमन सेंस भी खो गया तेरा कॉमन सेंस मिनिमम जो जो अकल खो गया है तो ऐसा कर ते लोगों को वृक्ष जोनी को प्राप्त होगा जा गोकुल में गोकुल में वृक्ष होके खड़ा हो जा, जा ऐसा साफ दे दिया तो दोनों नलकुबर और मणिग्रीब दोनों वृक्ष जो प्राप्त तो होके गोकुल का नंद महाराज का कोठियर्ड में वो दोनों वृक्ष पैदा हुआ जमाल अर्जुन वृक्ष पैदा हो गया हाँ अब उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया महाराज क्षमा कर दो जो हो गया हो गया तो हो गया हो गया तो ठीक है जा जब कृष्ण भगवान आविर्भाव होगा गोकुल में तब ते दोनों का उद्धार हो जाएगा उसका पहले नहीं जा ये दोनों का अंधापन इन दोनों का अंधापन को हटाने के लिए नारद जी महाराज इन दोनों को अभिशाप दिया था लेकिन ग्यारह साल विचार करके देखो ते अभिशाप नहीं है ये तो आशीर्वाद है ये तो अभिशाप नहीं है नारद जी महाराज ने एक बात कही नारद जी महाराज जी बोला जिन लोगों का अंदर में अभिमान आ जाता है अशतोष मदानधुष्यो दारिद्वम परमान जनम अशतोष मदानधुष्यो दारिद्वम परमान जनम जो असद व्यक्ति है जो लोग असद व्यक्ति हैं अभिमान से भरपूर है ये लोगों का जिंदगी में अगर ऐसा हो जाए जरा सस्ती हो पनिशमेंट हो जाए तेलोग का आंखें खुल जाता है दे आर ब्लाइंड इज गेटिंग सम पनिशमेंट कर्स लाइक दिस दे कैन ओपन देयर आइज ओ रियली वी हैव डन मिस्टेक बिफोर दैट नो बड़े बड़े आचार जो लोग भी स्वीकार किया हमारा पैसा आ गया था इज्जत आ गया था इसलिए मैं अभिमान से भर अभिमान से भड़ गया था इसलिए गुरु वैष्णव का अपमान किया बड़े बड़े आचार्य शिकार किया इसलिए नारद जी महाराज जी का कहना है सिमादान ध्वस्यो श्रीमद श्री मतलब ऐशत जो सब कुछ से भरपूर अवस्था में असतो सिमादान जो असद व्यक्ति है जो असद व्यक्ति है श्रीमदान दीमद श्री में अभिमान में फूले हुए हैं उसको दरिद्र बना दो बड़ा पैसा वाला आदमी उसको भिकारी बना दो उसका आंखें खोल जाएगा उसको उसका आंखें खोल जाएगा चाणक्य पंडित का नाम सुना है नहीं सुना है चाणक्य पंडित चाणक्य पंडित भरा पंडित चाणक्य पंडित को राजसभा में किसी जगो और किसी के लिए पहुंचा लेकिन राजा ने उसको अपमान किया खमा खा देखने में काला है कुछ नहीं चाणक्य पंडित जी ने सभा में खड़ा होकर अपना चेटी अपना जो चेटी है इसको खोल दिया खोल के बोला मेरा ये प्रतिज्ञा रहा ये नंद वंशो मैं ध्वंस कर दूंगा चाणक्य पंडित प्रतिज्ञा करके बताया ये नंद वंशों हम धंस कर देंगे कितना सारे देखा है बड़ा राजा है उसके बाद भिखारी बन गया ये कोई ठिकाना है नहीं इसीलिए नारद जी महाराज बोला जेलों का अंदर में अभिमान पैदा होता है अहंकार पैदा होता है इसका जिंदगी में अगर सब कुछ खो जाए पैसा पाती साब और विनम्र हो जाए विनम्र हो जाए अभिकारी बन जाए उसका बाज उसका आंखें खुलता है रियली हमने अन्याय किया अपराध किया जो भी है श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा शिक्षा है श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा शिक्षा यही है किंकु तीनाद में प्रतिष्ठित नहीं होने से श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का ये मूल विषय है भी सुनिज भाव में अगर प्रतिष्ठित ना हो पाए तो चैतन्य महाप्रो का शिक्षा का कुछ नहीं ले पाएगा चैतन्य महाप्र का शिक्षा कुछ नहीं ले पाएगा कुछ फायदा नहीं है जो भी है यहाँ काल हम लोग चर्चा करते हुए ये किस्वदास को विराज गोस्वामी अपना विनम्र दैन्य भाव आश्रय लेकर प्रारंभिक वंदना किया उसका बाद महाभदान अवतार गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव का प्रिलिमिनरी कारण जिस ये भी शिल रूप से बात का विदग्ध माधव में विदग्ध माधव से विदग्ध माधव किताब से उठाया गया एक ए श्लोक अनर्विद चरिंग चिरात गुणावर इसको कोटेशन दिया फिर उसका बाद चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का वास्तविक कारण क्या है इसका रहस्य क्या है उसका बाद इसका मूल कारण वाइटल रीजन ये बताया ये सब व्याख्या हो गया उसका बाद बलराम नित्यानंद तत्व का प्रणाम नित्यानंद बलराम का पंच रूप नित्यानंद बलराम अनंत रूप हरि अनंत हरि रूप अनंत अनंत रूप प्रकार कर भगवान नित्यानंद बलराम गौरंग नित्यानंद भगवान भगवान का सेवा करते हैं फिर भी हम लोग काल देखा है सृष्टि तत्वों में शंकर सनो कर्ण तोताई शंकर सनह तो साई, साई चपायत इत्यादि बताया उसके बाद फिर शंकर सन भगवान शंकर सन नित्यानंद बलराम का कैसा कैसा स्वरूप है कारण सागर में कारण सागर में इसका बाद हमने देखा कारण सागर में कारण सागर में आ, महा संकर्षण सरण बलराम का एक स्वरूप है फिर उसका बाद एक एक ब्रह्मांड में घुसकर उसमें गौर रूप में विराजमान है उसका बाद हर एक एक पृथ्वी में ये जो आपका खीर सागर है इसमें खिर ये जो बैष्टि अंतोजामी अनंत जीव इसका अंतोजामी रूप में विराजमान होता है ये सब दिखा है इसका बाद वैकुंठों में माया तीते व्यापी वैकुंठ लोकेश्वरी श्री चतुर्भुह मध्य रूपम यशदभासी संकर्षणाक्षम तम नित्यानंद रामम प्रभ ये भी दिखा है इसका बाय प्रकृति करता जीव और जगत का कारण परमात्मा का रूप में हैं कर्णदशाही महा विष्णु का रूप में माया भरता अजांडो संघाश्रयंगो शेते साक्षात कारण कारणम बोधि मध्य है जो शैकांसो सिपमान आदिदेव स्तम सिनंदो राम प्रपति ठीक है इसका बाद व्याख्या किया गौरवोदाई सभी जस अंश श्री गर्भद साई जन्ना अबजम लोक संज्ञात नालम लोक सृष्टु सुतिका शु, धामो धातुस्तम से नितानंद रामम प्रपत् उसके बाद खेरद गोसाई तो का वंदना करते हुए वहाँ बताया जश परमात्मा खीलानम पृष्ठा दुग्धा दुग्धादिशाई छौणी भरता यकला शो ओपी अनंत स्व श्री नित्यानंद राम प्रभ ये सारे काल व्याख्या का अंदर में आया था भगवान का कृपा से फिर उसके बाद फिर उसके बाद नित्यानंदो बलराम का बारे में नित्यानंदो बलराम जो है ये नित्यानंदो बलराम का ये जो प्रपंच सृष्टि रचना है ये जो प्रपंच दृश्यमान प्रपंच है ये प्रपंच का इंग्रेडिएंट ये जो निर्माण एक बिल्डिंग निर्माण के लिए ईटा जरूरी है सीमेंट जरूरी है बाली जरूरी है बहुत सारी चीज एक बिल्डिंग निर्माण करने के लिए हमको ईंटा जरूरी है सीमेंट जरूरी है बालू जरूरी है सब कुछ जरूरी है तो ये जो हमारा प्रपंच दृश्यमान प्रपंच निर्माण है ये निर्माण का अंदर में ये जो इंग्रेडिएंट है ये इंग्रेडिएंट किसने दिया है वेयर फ्रॉम इट कैम इसका बारे में उत्तर दे रहे हैं अद्वैत ये महाविष्णु ये अद्वैत गोसाई ये तो महाविष्णु तो महा जगतकर्ता मया ज सृजती अदहावतार एव अयम अद्वैत तो आचार्य ईश्वर अद्वैत तो आचार्य वो ईश्वर है जो महाविष्णु का साथ नॉन डिफरेंट है जो महाविष्णु है वही जो महाविष्णु है वही सदाशिफ है अद्वैत तो गोसाई महाविष्णु जगत कर्ता माया जो सृजती अदह अवतार एव एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर यही अद्वैत आचार्य जो है जिन्होंने माया देवी का साथ मिलकर ये दुश्यमान प्रपंचों को रचना किया है अब प्रश्न आए कि कहां से ये सब निर्माण का जो इंग्रेडिएंट इनग्रेडिएंट कहाँ से लाए इसका उत्तर है भगवान भगवान का प्रपंच निर्माण करने के लिए भगवान को प्रपंच निर्माण करने के लिए जो इंग्रेडिएंट है ये बाहर से लाने का कोई जरूरी है नहीं इट्स सेल्फ इन इनसाइड भगवान यत्रो येनो यतो यशो यस्मा यद्य यथा यदा सारे कारक का केस इंड केस एंडिंग में अगर पूछो कौन किस लिए क्यों कहाँ से सारे उत्तर भगवान है अर्थात जैसे एक मकड़ी स्पाइडर जैसे एक मकड़ी <coughs> एक मकड़ी अपना जरूरत पड़े एक मकड़ी क्या करता है <coughs> एक मकड़ी अपना टायलिन मुँह से मुँह से लाला निकालकर एक नेटवर्क बनाता है माकरी ये अपने आप एक नेटवर्क बनाता है बाहर से कुछ लेता नहीं अपने आप मुँह से लाला निकाला और एक तो स्पाई एक नेटवर्क कर दिया और उसका बाद काम ख़त्म होने का बाद ये नेटवर्क को खा लेता है खा लेता है तो ऐसा ही भगवान का कोई कारण नहीं है भगवान ही भगवान का कारण है भगवान का सृष्टि का कारण भी भगवान है भगवान से आया है भगवान का लिए हैं, भगवान से हैं, सब एक है यत्रो दे यत्रो येनो यतो यशो सब भगवान है ये अद्वैत के साई है महाविष्णु जगत कर्ता माया सृजति अदह तत्वारो एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर ए अद्वैत आचार्य ईश्वर अद्वैत आचार्यों का आने का कारण क्या है क्योंकि अद्वैत तत्व अगर अगर हमारा जिंदगी में अगर हमारा जिंदगी में अद्वैत तत्व अधूरा अगर हमारा जिंदगी में अद्वैत तत्व अधूरा रह गया तो हम कुछ नहीं समझेंगे इफ आई डोंट अंडरस्टैंड अद्वैत तत्व देन आई माय नॉलेज इज जीरो रिगार्डिंग भगवान इज द रूट कॉज अद्वैत गोसाई जी ने गौरंग महापू को बुला के लाए ऊपर से बुला के लायाओ अद्वैत गोसाई गौराना गोसाई गौर को लाए हैं तो लिखा है अद्वैतम हरिना अद्वैत आचार्यम भक्ति भक्तिशंशनाथ भक्तावतारीसम तमैतचार्यम आश्रय क्या बताया अद्वैतम जिसका नाम है अद्वैत मैंने देयर शुड नॉट बी ड्यूअल कंसेप्शन वन एंड सिंगल तत्व विद इन दैट तत्व अद्वैत इट सल्प स्टैंडिंग नॉट आउटसाइड सो सो हरि हरिना अद्वैत आचार्य हरि का साथ इनके हरि का साध अद्वित का कोई फर्क नहीं है जो हरी है वही अद्वैत है जो अद्वैत है वही हरी है हरी का साध इनके कोई जारा सा भी कोई डिफरेंस है नहीं इन्होंने आए हुए हैं आचार्यों का काम करने के लिए अद्वैत तो आचार्य जो एक्टिंग एस आचार्यों एब्सुलूट आचार्य अद्वैतम हरिना अद्वैत आचार्यम आचार्य क्यों आचरण है जिसका दिल में जिसका हृदय में जिसका जिंदगी में आचरण है वो आचार्य है जिसका आचरण नहीं है वो आचार्य नहीं है तो ये अद्वैत आचार्य ये अद्वैत गोसाई आचार्यों का काम करने के लिए अर्थात भक्ति तत्व व्याख्या करने की टू एक्सप्लेन व्हाट इज कॉल एक्चुअली भक्ति भक्ति तत्व को व्याख्या करने के लिए आए हुए हैं अद्वैतम हरिना अद्वैत आचार्यम भक्ति शंशनाथ शंक्षन मने टू स्पीक अबाउट व्हाट इज कॉल भक्ति भक्ति शंसनाथ फिर हमने बताया था भक्तावतारमीशम ये भक्तो अवतारम ईशम ईश है और तमय तम अद्वैत आचार्य ईश्वरे पहला नंबर श्लोक में हमने बताया था वंदे गुरुनो मीशो भक्तनम ईशम ईशावतरका कृष्ण तत्शक्ति संगकम, हे वंदे गुरुनो ईशो ईशो भक्त ईशो मिस स्वयंग अवतार काण् हकाशंश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सतलब वन्दे शिक्षा गुरुदीक्षागुरु पद् पद्पुरषगु भक्ति ईशो भक्तानम शिवा साथी भक्तबिन्दु ईशो मतलब स्वयं भगवान स्वयं रूप भगवान ईश अवतार अद्वित गोसाई तत्प्रकाश नितानन्दी गदाधर आदि य पूरा मिलकर टोटली एक तत्व चैतन्य महाप्रभु टोटली एक तत्व है भक्तावतार विषम अद्वैत आचार्य माश्रय ये अद्वैत आचार्य का चरण का सहारा ले कृपा मांग ले चरण में शरण में जाए चरण में भक्तावतार में शम तम अद्वैत आचार्य माश्रय अद्वित आचार्य के चरण का आश्रय ले अभी ये पंच तत्मात्कम गौरंग महाप्रभु का प्रणाम करने जा रहा है कृष्णदास को बीराज गोस्वामी ये पंच तत्मात्मकम कृष्णम भक्त, रूपो भक्त मतलब रूप स्वरूपकम भक्त्यावतरम भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्ति कम पंचतत्मात्मकम गौरहरी मतलब पांच रूप पकड़ कर महाप्रभु ने आए हमने बताया एक है एक है ईश्व प्रकाश है फिर उसका प्रकाश, ईश शक्ति, ये सारे हमने बताए ये पंचधत्मात्मकम कृष्णम भक्तरूप स्वरूपकम भक्त्यावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्ति कम ये बताया अभी कृष्णदास कुराज गोस्वामी जी अभी कृष्णदास कुराज गोस्वामी जी गौड़ियो वैष्णवों का तीन ठाकुर हैं वैश्न, गौड़ियो वैष्णवों का तीन ठाकुर हैं राधा गोविंदो राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन गौड़ी तीन ठाकुर क्यों बताया क्योंकि ये तीन ठाकुर गौरंग महाप्रभु का जो लोग हैं ये गौड़ीय भक्तों के द्वारा ही प्रकाशमान अवस्था में आया है दे ऑल मैनिफेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ गौड़ीय आचार्य जैसे गोविंदोजी रूप मदन मोहन मदन मोहन सनातन गोसवाई पा गोपीनाथ मधु पंडित मधु पंडित जी के द्वारा तो ये तीनों ठाकुर का गौड़ियों का गौड़ियों खानदान का अपना अधिदेव होता है इसलिए अपना अभिष्टो अपना अभिष्टो संबंध आधिदेव अपना अभिष्टो संबंध आदिदेव को प्रणाम करने के लिए कृष्णदास को विराज गोस्वामी ये लिखा है जयतम सुरत मम मंदम तेरगति मत सर्वस्व पदाम राधा मदन मोहन अपना दोनों का सहारा लेकर कह रहे हैं आई एम क्रिपल मैं पंगू हूं मेरा बुद्धि काम नहीं करता मंदमती आर जो लोग दया करके हमारा एकमात्र गति हमारा है जिन लोगों का पात पद्म में मेरा सब कुछ तन मन धन दे दिया है यही परम कृपालु दयालु श्री श्री राधा मदन मोहन जय युक्त तो हो जाए जय जयकार हो जाए जय तम सुरतो। पंगोर मम मंदम गति मत्सर्वस्व सर्वस्व भोजो राधा मदन मोहन इसका चरण में भाव से दंडवत नती करते हुए बताया मैं पंगु हूं अपाहिज हूं आई एम कृप आई कैन नॉट वक हम चल नहीं सकता और मेरा बुद्धि काम नहीं करता मंद मतीर और ये जो दोनों राधा मदन मोहन मेरा जिंदगी का एकमात्र सहारा है एकमात्र गति है जिन लोगों का पाद पद्मों में मेरा तन मन धन सब कुछ दे दिया है ए? यही परम कृपालु राधा मदन मोहन अपना महिमा से जय युक्त हो जाए जय तम श्रोतो पंगोर मम मंदमतेर गति मत सर्वस्व पदम भोजो राधा मदन मोहन ये है संबंध आधिदेव देवता गौर्य भजन का गौर्य भजन का मिस्ट्री है गौरी भजन का यही एक अनोखा विचार है संबंध अविद्यो प्रयोजन संबंध अधिदेव देवता है कौन ये मदन मोहन आर संबंध ज्ञान का आचार्य कौन है श्री रनातन गोसाई पाल संबंध ज्ञान का आचार्य कौन है सिर्फ सनातन गुस्साई पाद सनातन गुस्सा ही पाद और ओविदियो ओविदियो आधिदेव देवता कौन है राधा गोविंद जी हैं और ओविदियो आचार्य जो भजन का कौन है सिर्फ रूप गोस्पाद है रूप गोष पाद है इसलिए और प्रयोजन प्रयोजन देवता गोपीनाथ है प्रयोजन अधिदेवता गोपीनाथ है प्रयोजन प्रयोजन अधिदेवता गोपीनाथ है और प्रयोजन तत्व का आचार्य कौन है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद है प्रयोजन तत्व का आचार्य कौन है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ये ठीक है तो संबंधो अधिदेवता का प्रणाम किया

एक अनोखा जगह है जिसमें जोगपीठ विराजमान है ये हमारा नवद्वीप का जोगपीठ ये है नवद्वीप का जोगपीठ कौन है वे है जोगपीठ मतलब क्या है जोगपीठ मतलब क्या है जोगपीठ मतलब है एक दिन में ऐसा ऐसा कुछ पॉइंट है सेवा है सेवा का समय है जित में सारे परिकर सेवा करने के लिए एक साथ आ जाए समझा विद इन ए डे देर इज समर्टेन पॉइंट वेन ऑल सखी मंजूरी ऑल गेट टूगेदर एन सर्विंग राधा गोविंद टूगेदर दैट इज कॉल्ड जो पीट तो रूपको बाद दिव्य बिंदारण कल्प्रमाधा शिम रत्नागर सिंघा सनुस्तु रत्नागर सिंघा सनुस्तु सिसिराधा सिल गोविंदो दिब्बो पृष्ठ अलिभि सेब्ब मानुस्मरा दिब्बो दिनारन माने दिव्य माने दिव्य ट्रांसेंडेंटल अप्राकित कल्पद्रुमाद कल्पविकशो कल्पविकशोने वी सेलिंग ट्री कल्पविकशो का नीचे एक रत्नागर सिंघा रत्न ज्वेल फिट एक सिंहासन है बहुत दिव्य सिंहासन चारों ओर से रोशनी बिकरते जा रहे हैं विकिरण कर रहे हैं, और इसी दिव्य सिंहासन में राधा और गोविंद जी दोनों विराजमान हैं सिर्फ राधा श्री गोविंद देव और इतना ही नहीं सिर्फ इतना ही नहीं चारों ओर से सखी मंजरी सारे घेरे हुए हैं चारों ओर से सखी मंजरी सारे घेरे हुए हैं और राधा गोविंद जी सिंहासन में विराजमान है और सेवा चल रहा है नरोहरि आदि कोरी रि चम डुलाए ऐसा सिंहासन चल रहा है सेवा है ऐसा सेवा गौरंग महाप्रभु का मॉर्निंग सुबह में कीर्तन किवा जयो जयो गुराचा देर को जाहन भी तटोवनी जगो मनो लोवा और सुंदर आज सुबह का कीर्तन है सुंदर सो so, दिव्य बिंदारण कल्प द्रुमा कल्प वृक्षों का नीचे एक दिव्य सिंहासन है मणि माणिक्यों से भरपूर है ज्योति बिखर रहा है विकिरण कर रहा है और वहाँ श्री श्री राधा और श्री गोविंद देव दोनों मिलकर विराजमान है और पृष्ठ भी पृष्ठ मने प्रियो डियर वेरी क्लोज अली भी अलीभी ऑली मिन एक्चुअली ओली मिन भ्रम आई I मीन mean, हनी विस यहाँ जो मीनिंग है प्रेष्ठा भी मतलब शौखी मंजरी भी प्रेष्ठा भी मैंने लिटरल मीनिंग इज दैट हनी बीज रियली दे आर टेकिंग हनी फ्रॉम द लुटो राधा गोविंद ओके अली मानो स्मारा में बोत ऑफ राधा गोविंदो सेवा ले रहा है कोई चामर वजन कर रहा है पंखा कोई कोई का आरती कोई कुछ तांबुल पान पान बिटलिफ तो दे रहा है पाओ ऐसा करके सेवा चल रहा है दिव्यो दिनदार कोई गाना गा रहा है कोई गोपी गाना गा रहा है विशाखा सुखी संगीत गा रहा है हैं, ललिता सबके कुछ कर रहा है ऐसा ही हो रहा है सारे ओर से सेवा चल रहा है ऐसा जो मूर्ति है दिव्य मूर्ति इसको संबंधो अभिदेव सम्बन्धो आदिदेव देवता राधा गोविंद जी का चरण में प्रणाम हमारा संबंध आदि देव राधा गोविंद जी हैं और हैं, हमारा जो हमारा जो ओबिदेव आचार्य जो थे आचार्य ओबिदेव आदि देव गोविंद जी हैं सम्बन्ध आदि देव राधा मदन मोहन बताया था और गोपीनाथ है सिमन रास रसारंभी वंशी बट तथस्थित कर्षण बेन शनेर गोपी गोपीनाथो श्रेयस्तु न सिमन रास रसारंभी गोपीनाथ रास रचाने वाले हैं शिवन रास रसारम्भी शिवन रास रसारम्भी बहुत सुंदर रास रसारम्भी में रास प्रवर्तक गोपीनाथ इज द मैन ऑफ रास एंड राजधारणी गोपीनाथ टेकिंग इनिशिएशन ए इनिशिएटिव टू मेक रास दैट्स वाई राग सो शिवन रास रसारंभी एंड जमुना का किनारे बंशीपट है जमुना का किनारे बंशीपट है बंशीपट में गोविंद जी बैठकर बाधन की और गोपियों को बुलाया आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ अब बुलाने का दर्कन है ऐसे ही बंशीपादन कर दिया गोपियों ने बुलाया चल 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 जल्दी बंशीपादन बंशी धनी सुनकर गोपियों ने भाग कर आए दे काम रानी टू पार्टिसिपेट सौ so, सिमन रास रसारंभी वंशी बट तटस्थित करशन बेनुनर गोपीर गोपीनाथ जो बंशी वन के द्वारा गोपियों को बुला रहे खींच रहा है आ जाओ आ जाओ ये गोपीनाथ ये गोपीनाथ श्रेय स्तू नाम लोगों का मंगल विधान करे नौ और बो यू कैन रिमेम्बर

अवतार ऐपी है बो माइड ऑल यू हार्ट नॉम इन नोह मीन ऑस्माक हृदय इन आवर हार्ट हलो सो श्रेयस्तु नोह नॉम इन आवर हृदय आवर हम लोगों का हृदय में राधा गोपीनाथ ए गोपीनाथ जी का मूर्ति हृदय में प्रकटित हो जाए ये वन काइंड ऑफ ब्लेसिंग सुमन रस रसारम्भी बंशीभद्र तथस्तितो कर गोपीर गोपीनाथ श्रेय तो स्तुनो से दैट गोपीनाथ तुम लोग का आशीर्वाद करे मंगल करे तो राइटर सिकिंग फॉर फोर ऑल कम ठीक है और इसके बाद सुमन रास रसारम्भ वंशीभद्र तथस्तितो कर्षण मिन सनहिर गोपी गोपीनाथ तो से ए, राइट अर्थात लेखक श्री कृष्णदास कोविराज गोस्वामी हम लोगों के लिए हम लोगों के लिए भगवान का चरण में कृपा जाचना कर रहे हैं दुआ दुआ मांग रहे हैं हम लोगों के लिए भगवान चरण में दुआ मांग रहे हैं ठाकुर जी ये लोग का कृपा कर दो हम लोग का और ये वंदना तो है ही है मंगलाचरण तो है ही है मंगलाचरण का साथ साथ ये एक आशीर्वाद का मापी गिर ब्लेसिंग फोड़ास इसके बाद कृष्णदास कुरिया लिख रहे हैं जया जयो जया जया चंदो जयो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त बिंदो मतलब जय जयकार कर रहे हैं वंदना कर ग्लोरिफिकेशन जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद आज जय द्वैत्य चंद्र जय गौर भक्त और गौरचंदो और सारे भक्तगण नित्यानंद और द्वैत गोसाई के साथ सबको का मैं जयकारा देता हूँ गौर भक्त बिंदु जय जाए जयकार जयकारा कर रहे हैं जय गौर भक्त इसके बाद कृष्णदास कोविराज गोस्वामी कह रहे हैं तीन ठाकुर गौड़िया के कोिया चे आत्मसाद ये तीन चरण बंदो तिह मोरनाथ ये तीन ठाकुर मतलब राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद और श्री राधा गोपीनाथ एक गौड़ियों समाज को एजी सीने में लगाया सीने में लगाया आत्मसाद मतलब आत्मसात मतलब आत्मसात मतलब किसी को प्यार करके अपना अंदर में छुपा लेना ये आत्मसात है आत्मसात एक्चुअली मीन जे सो डियर सो डियर सो डियर दैट दिस थ्री राधा गोविंद राधा मदन मोहन राधा राधा गोविंद इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम गौरिया दे एसिमिलेट गौरिया ठाकुर यू कैन नॉट सेपरेट आत्मसात किया वननेस सो लवफुल इतना प्रेम है इतना प्यार है कि मानो की अलग नहीं है तीनों ही एक है गौरी भक्तों और राधा मदन मोहन राधा गोविंदो राधा गोविंद इन्सफरेबल एक है इसका मत आत्मस्वाद किया दे डेवलप वननेस और गौरियर बज राधा गोविंद इफ दे वन सिंगल। सो तीन ठाकुर गौरिया के कर गौरिया रिबोट इज वेरी मच इन फेवर ऑफ़ दिस राधा गोविंद भेरिमाच एट्रकशन ए तीन चरण बंद श्री श्री मदन मोहन श्री श्री uh, राधा गोविंदजी और तीनों का चरण बंदना करे तीनों का चरण बंदन करे तीनों हमारा नाथ है मेरा मालिक है मेरा सब कुछ है मेरा सब कुछ है तन मन जीवन और दिल की धड़कन सब कुछ एक है सब एक साथ ये तीन ठाकुर और गौड़ियों मानो की एक जैसा हो गया मिलजुल कर एकाकार हो गया तो इसीलिए बताया यही तीन ठाकुर गौरिया के कोरिया छे आत्मसाद चरण बंदो तिने मोर नाथ ये तीन मेरा मालिक है जब भी एक है फिर भी अलग है इसके बाद कृष्णदास कुराज गोस्वामी कह रहे हैं ग्रंथेर ग्रंथेर प्रारंभ करी मंगलाचरण चरण गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण इतना बंदना स्मरण वंदना आशीर्वाद जाचना सब करने का बाद कृष्णदास को विराज गोस्वामी कह रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ माई बुक आई एम टू ग्लोरीफाई गुरु वैष्णव भगवान तीन आई लाइक टू रिमेम्बर दिन तीन स्मरण हए विघ्न बिना सन अनाया निजो है निजो बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑस्पिशियस जॉब यूजली आर

तीने स्मरण गुरु वैष्णव भगवान तीनों का स्मरण करें बिकॉज तीनों का शरण में जितना सारे विघ्न हैं विघ्न विनाश भी हो जाते हैं एर अनायास वेरी इजिली आई कैन आई कैन कंप्लीट माई टार्गेट अनायास अनायासें हाई नहीं जो वाछितपूर्ण गुरु वैष्णव भगवान अगर ये लोग मेरा ऊपर संतुष्ट नहीं हैं इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद मी नेवर आई कैन कंप्लीट माय व्रत वेरी वेरी टिपिकल व्रत हो मानस अफ्तर मान इफ दे आर नॉट डूइंग कीपा इन बिटवीन आई कैन बिकम सिक व्रत खत्म सो ऑलवेज विनम्र भाव कीपा करो हु एम आई टू स्पीक हरी कथा भगवान कैन प्लेस ही कैन स्पीक लाइक राय महाशय कै राय महाशय स्पीकिंग राय महाशय बोल रहे हैं गौरंग महाप्रभु को आप खोद मेरा हृदय में बैठ कर बोल रहे हो और उप खुद ही सुन रहे हो यू स्पीकिंग एंड यू आर हियरिंग योर साफ टूमोरो आई कैन डिस्कस दिस बोन्थेर प्रारंभ को मंगल आचरण गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण तीने स्मरण है বিঘ্নবিনাশন অনায়াসে হয় নিচ বাঞ্চিত পূরণ তিনে স্মরণ হয় বিঘ্নবিনাশন অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্চিত আই ক্যান ফুলফিল মাই টার্গেট সে মঙ্গলাচরণ হয় তিন প্রকার দ্যাট মঙ্গলাচরণ মঙ্গল আচরণ থ্রি টাইপ অফ মঙ্গলাচরণ ক্যান বি থ্রি টাইপ অফ মঙ্গলাচরণ তিন से मंगलाचरण है त्रिविधो प्रकार वस्तु निर्देश फर्स्ट मंगलाचरण में आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस द टारगेट, आई मीन वस्तु निर्देश फॉर व्हाई आई एम डुईंग मंगलाचरण वस्तु निर्देश इट इज वन कैन ऑफ मंगलाचरण आशीर्वाद आई बेक फॉर की पशीर्वाद ए इट इज आल्सो वन कैन ऑफ मंगलाचरण आ नमस्कार नमस्कार मान हमारा अभिमान बिल्कुल छोड़कर चरण में शरण लेना तो तीन किस्म का मंगलाचरण होता है तीन किस्म का मंगलाचारण होता है एक वस्तु निर्देश द रीजन फॉर वाई आई एम डूइंग वट इज माई टारगेट वस्तु निर्देश इंडिकेटिंग एंड आशीर्वाद सिकिंग ब्लेसिंग और नमस्कार अपने को चरण में दे देना भाव से ये तीन किस्म का मंगलाचरण होता है प्रथम दुई श्लोके इष्टदेव देव नमस्कार सामान्य विशेष रूपे द्वितपकार तो न कृष्णनाथ कबीराज गोस्वामी कह रहे हैं पहले से पहले से प्रथम श्लोके देव नमस्कार किया सामान्य विशेष प्रथम दो श्लोक में ইষ্টদেব কা নমস্কার কিয়া হয় এক প্রিলিমিনারি সামান্য রূপমে এক স্পেশালি ইষ্টদেব নমস্কার কিয়া হয় সামান্য বিশেষ রূপে প্রকার তৃতীয় শ্লোকে বস্তু নির্দেশ দ্য রিজন ফর টু যা হইতে হয় পরততত্ত্বের উদ্দেশ সো দ্যাট আই ক্যান অন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিয়ারলি অ্যাবাউট দ্যাট পরত্ত্ব ফর ফর হোম মাই লাইফ सामान्य तृतीय श्लोके करी वस्तु निर्देश जहाँ होते हैं परतत्व उद्देश्य पर का इंडिकेशन मिलता है चतुर्थ चार नंबर श्लोक में करी जगत आशीर्वाद चार नंबर श्लोक में जगत का लिए दुआ मांगना चार नंबर श्लोक में तमाम जगत का लिए दुआ मांगना आशीर्वाद मांगना सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद मे गॉड ब्लेस यू क्या है इस चैतन्य महा का प्रसाद कृपा जगत के लिए मांगा ठीक है चतुर्थ श्लोक को रही जगत आशीर्वाद सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद हो गया आफ्टर दैट लिखा हुआ है सही श्लोके को रि अवतार कारण यही श्लोक में मैं भगवान का एक्सटर्नल रीजन किस लिए भगवान आए इसका वर्णन करने का प्रयत्न किया पंचम ष्ठों श्लोके को ही मूल प्रयोजन पांचवा नंबर फिफ्थ श्लोक एंड सिक्स श्लोक माय टारगेट वाज टू अनवेल द मिस्ट्री तो दिस दिश चैतन्यवाद ये श्लोके को श्लोके को बाह्य और तार कारण जो कुछ कर दिया और पंचम और सस्तों श्लोके को मूल प्रयोजन व्याख्या किया और ये छ्लोके कृष्ण चैतन्य का तत्वों का व्याख्या किया ये छ्लोक के द्वारा कृष्ण चैतन्य का तत्व आर पंच श्लोक में नित्यानंदो महाप्रभु का पांच श्लोक याद है ना पांच श्लोक बताया शंकर सन दुसाई साई उसके बाद बहुत मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके इसका बाद बताया माया भरता अजांडो संगस ये बताया जस्यांशो ये बताया है जस्यांश शशि गर्भ साई ये बताया फिर उसके बाद जस् परात्मा खीला ये व्याख्या किया पांच श्लोक के द्वारा पांच फाइव के द्वारा क्या किया ये आर श्लोक के को नित्यानंदे महत्व वर्णन ये पांच डिफरेंट श्लोक के द्वारा नित्यानंद का महिमा वर्णन किया आर दुई के अद्वैत तत्व आख्यान और दो श्लोक के द्वारा व्हाट इज द सीक्रेसी विद अद्वैत तत्व दैट व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन आर दुई श्लोके আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত তত্ত্ব আখ্যান আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্ব শ্লোকের ব্যাখ্যান পঞ্চতত্মাত্মকম কৃষ্ণম ভক্তরূপ স্বরূপকম ভক্তারম ভক্তম নমামি ভক্তশক্তি ঠিক এই ছয় শ্লোকে করি এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণ চৈতন্যের তত্ত্ব আর পঞ্চশ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ব আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত তত্ত্ব আখ্যান আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান এই চোদ্দ ফরটিন শ্লোক এই চোদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ যে চোদ্দ শ্লোককে দ্বারা মঙ্গলাচরণ চোদ্দ শ্লোকের দ্বারা মঙ্গলাচরণ তহি মধ্যে কহি সব বস্তু নিরূপম এ চৌদ শ্লোক মঙ্গলাচরণ আদি বর্ণ मंगल आचरण आदि करने के लिए हमने किया है जरूर लेकिन इसका अंदर में सिक्रेटली आई वांटेड टू इंडिकेट वस्तु द रीजन फॉर वाई वाइट इज माई टर्गे मदद को ही सब वस्तु निरूपण इसका अंदर में मैं वस्तु तत्व का निरूपण किया और कृष्णदास को बिराज गोस्वामी अभी तमाम श्रोता जो सुनने वाले हैं और पाठ करने वाले हैं सब वैष्णव का चरण में बंधन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सकोल वैष्णव है सब श्रोता वैष्णव गोरी नमस्कार दो आर ऑल हियरिंग चैतन्युत आई प्रे प्रणाम प्रोणाम लुड यू सी दो সকল বৈষ্ণব যতনা सारे বৈষ্ণব है जो श्रवण कर रहे चैतन्य제 দmito সব শ্রোতা বৈষ্ণবের করি নমস্কার সব শ্রোতা বৈষ্ণবের চরণ নমস্কার সব শ্রোতা বৈষ্ণবের করি নমস্কার এই সব শ্লোকের করি অর্থবিশার নাও ওয়ান বাই ওয়ান আই ক্যান ক্লারিফাই অল ইন অ সিক্রেসি সকল বৈষ্ণব শুনো করি এক মন আই লাইক টু ড্র দ্য অ্যাটেনশন অল বৈষ্ণব প্লিজ প্লে ইউর অ্যাটেনশন সকল বৈষ্ণব শুনো করি এক মন চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্রে যে নিরূপণ চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্রে যেমত নিরূপণ চৈতন্য অল শাস্ত্র रिलेटिंग टू सीची चैतन्य महाप्रभु एन इज तत्व विज्ञान देर इज वेरी सिक्रेसी वेरी गोपन उद्देश्य है एक है कृष्णो, एक है कृष्ण तत्व दूसरा है गुरु गुरुद्वार शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु इसके बाद भक्त है अवतार है प्रकाश है कृष्णो गुरु गुरुद्वय भक्तो अवतार प्रकाश कृष्ण गुरुद्वय कृष्णो गुरुद्वार, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु थ्री ए कृष्णो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु थ्री ठीक है कृष्णो गुरुद्वार, भक्तो अवतार प्रकाश सिक्स कृष्णो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हैं, अवतार इसका बात किया भक्तो अवतार प्रकाश सिक्स भगवान मैनिफेस्टिंग इन फोर सिक्स डिफरेंट फॉर्म कृष्णो গুরুদ্্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ শক্তি এ কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ওয়ান তত্ত্ব ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কৃষ্ণ গুরুদ্বয় গুরুদ্বয় মিন গুরুতত্ত্ব এক শিক্ষা গুরুদিকে ওয়ান তত্ত্ব তো কৃষ্ণ গুরুদ্বয় টু ভক্ত অবতার প্রকাশ অ্যান্ড শক্তি গুরুদ্বয় ওয়ান তত্ত্ব নট সেফারে বিকজ গুরুততত্ব শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস ভগবান ম্যানিফেস্টেম থেম ইন সিক্স ডিফারেন্ট ফর্ম এন্ড প্লেয়িং অল ওভার দিস ইউনিভার্স কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন। অল সেপারেটলি অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালি আই এম গোয়িং টু গ্লোরিফাই অ্যান্ড প্রণাম ছয় তত্ত্ব মঙ্গলা এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্ধন অল সেপারেট ছয় তত্ত্ব ইন্ডিভিজুয়ালি এক্সক্লুজিভলি প্রণাম চরণ বন্ধন প্রথমে সামান্য ফার্স্ট অফ অল প্রিলিমিনারি বন্ধনা প্রথমে সামান্য করি মঙ্গল আচরণ फर्स्ट ऑफ ऑल पिन मिनली बेसिकली एम डूइंग प्रथमे सामान्य प्रथमे सामान्य को मंगोलाचरण वंदे गुरुनो भक्तान मीशो मीशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्स कृष्ण चैतन्य संगकम आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट बिफोर इन द बिगिनिंग सो आई एम नॉट गोइंग और दोबारा व्याख्या करने का टाइम नहीं है पहले कर दिया बंदे गुरुनो भक्त्यानो ईशो मीशावत काणो तत्प्रकाशो तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संग ठीक है इसका बात गुरु तत्व को मंत्र गुरु मंत्र गुरु में दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु सेपरेट फ्रॉम हुम आई एम टेकिंग शिक्षा মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষা গুরুগণ তাহার চরণ আগে করিয়া বন্ধন ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ও সংস্কৃত ইউ ক্যান গো মাই কৃষ্ণদাস কুবিরাজ গোস্বামী স্পিকিং মন্ত্রগুরু আর মাই মন্ত্রগুরু অ্যান্ড অল শিক্ষা গুরু অল টুগেদর প্লুরাল নম্বর বহু মোর দেট কৃষ্ণদাস কুবিরাজ গোস্বামী Using singular number. How I can understand. First of all, say Manta Guru. And all Shikshaguru. The Guru plus all Shikshaguru. a plural number. But Kishanad Goswami, Kishonad Gubiras Goswami, purposely using singular number. You can go mad. He has done some grammatical mistake, surely. You can say. Surely he has done some grammatical mistake. No.

आपका जिंदगी में आ सकता दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु अलग अलग रूप से लेकिन गुरु तत्व वन एंड सिंगल अनडिवाइड अनडिवाइडेबल तत्व गुरु तत्व वन एंड सिंगल नॉट डिफरेंट ऑल सेम बट स्टिल यद्यपि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ऑल सेम फिर भी दीक्षा गुरु का सम्मान थोड़ा ज्यादा देना जरूरी है क्यों हमारा संबंध हमारा संबंध ज्ञान हुआ है दीक्षा गुरु से यद्यपि एक है दीक्षा गुरु ए शिक्षा गुरु नॉन डिफरेंट या ऑल सेम बट स्टिल आई विल हैव टू पे सम स्पेशल रिस्पेक्ट टू दिखा बिकॉज आई आई रिसीव्ड संबंध एग्न फ्रॉम यू सो किस कोविराज गोस्वामी कह रहे हैं मंत्र गुरु आर जतो शिक्षा गुरु गण तहार चरण आगे करिए बंदन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जितना मंत्र गुरु और जितना शिक्षा गुरु सब मिलकर एक तत्व समझ लिया एक तत्व तहार मतलब सिंगुलर नंबर एक तत्व तहार चरण आगे करियॉज बिकॉज गुरु बिना भवन निधि तरई न कोई गुरु तत्व मूल है गुरु तत्व मूल है गुरु तत्वों से बढ़कर कुछ नहीं है भगवत तत्व से भी बड़ा गुरु तत्व है गुरु की पाही केवलम गुरु की पाही केवलम गुरु तत्व से कुछ नहीं है। एक गुरु तत्व सबसे ऊपर सो इसका बाद क्या बोला मंत्र गुरु आर तो शिक्षा गुरु गौन तहा चरण आगे कोरिया बंधन ये सब कर दिया इसके बाद गोस्वामी का वंदना किया सिख सड़ गोस्वामी छोस्वामी का स्वीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टो दास रघुनाथ छय गुरु शिक्षा गुरु जी हमार पात पद में कोटि नमस्कार आई पे करोड़ सब दंडवत प्रणाम शिष्य गुरु एक है स्वरूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ भट्टो रघुनाथ हैं हैं एव गोस्पाद गोपाल भट्टो हैं आर दास रघुनाथ सबको का चरण ये सब मेरा शिक्ष शिक्षा गुरु छय शिक्षा गुरु जी दास पाद हमार दास बार पद पद में कठिन हमारा इस सब का चरण में करोड़ों करोड़ों नमन करता हूँ कृपा आशीर्वाद मांगने के लिए कृपा आशीर्वाद मांगने के लिए प्रार्थना आई बेक फॉर पार्डन कीपा करो और काल हम व्याख्या करेंगे इसका ईश भक्तो ईश अवतार ईश प्रकाश शक्ति ऑल आई कैन एक्सप्लेन टुमोरोलो काल इस बारे में हम चर्चा करेंगे इसका विषय में आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी है क्षमा करे वाहल पतुरुष्य कृपा सिंध भुज पति तानक पावन भ्योष्ण वैष्णवभ्यो